नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। दिल्ली विधानसभा में बोले पूर्व सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि सीएम के साथ सड़क इंस्पेक्शन के लिए गया था। मेरे जेल जाने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़क बहुत अच्छी हुआ करती थी और मैं उनमें वहीं की सड़क की मरम्मत के लिए आदेश पारित करने के लिए कहा। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा नेता से मिला था, मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जेल भेजने में कोई फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से दिल्ली सरकार को पटरी से उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला होते हुए कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह विभाग, विजय नायक को जेल में डाल दिया। 5 बड़े नेताओं को जेल में डालने के भी बाद हमारी पार्टी आज मजबूती से खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान चुनौती दी कि और कहा कि आप अपनी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दें और आपकी पार्टी बिल्कुल टूट जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे केस को लेकर कहा कि उन्होंने इतना सख्त कानून लगा दिया था कि जिसमें मेरी जमानत भी नहीं मिलती, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दी और आज हम यहां बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरियाणा के करनाल पहुंचे राहुल गांधी, जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने आज, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता BS गुलियानी। एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के जिला करनाल के असंध क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हरियाणा राज्य और राज्य के युवाओं को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय युवाओं के साथ हुए वार्तालाप को साझा करते हुए कहा कि जब वो अमेरिका गए थे तो उन्हें वहाँ पर एक कमरे में 15 से 20 युवा ज़मीन पर सोते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक युवक ने बताया कि वो अमेरिका 30 से 35 लाख रुपए खर्च करके या फिर अपनी ज़मीन बेचकर अमेरिका पहुँचे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि इतना पैसा वो हरियाणा में इन्वेस्ट करके अपना कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। लेकिन युवक ने जवाब दिया कि ऐसा हरियाणा में संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ना तो युवाओं की कोई फिक्र की है और ना ही जो राज्य है उसमें कोई तरक्की करने का प्रावधान रखा है। BS गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। वही जम्मू कश्मीर में गरजते हुए नजर आए अमित शाह, कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा कांग्रेस के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौर को अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज लगभग 5 जनसभाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में संबोधित की हैं और अपने नुमाइंदों के लिए वोट मांगे हैं। साफ तौर पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पर है कि हम लोग जो है 370 और 35 को वापस लाएंगे, पर ये साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि ये 370 और 35 जो है वो कभी वापस नहीं आने वाला, और लोगों से उन्होंने अपील की कि आप जम्मू कश्मीर का विकास देखे, उस दौर पर हमें मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस। वही होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने क्या कुछ बोला है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फरमान पर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा हमला बोला है, कहा है कि जबरन दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से क्या मिलावटखोरी का धंधा बंद हो जाएगा। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि इस मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने पहली दफा नेम प्लेट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि जिस तरह से जबरन नेम प्लेट लगवाने का योगी सरकार का फरमान है, इससे मिलावट खोरी का धंधा क्या बंद हो जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि इस मामले पर जिस तरह से सियासी पारा हाई हो गया है, इससे आम जनता का भला नहीं होने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती ने
तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर भी बड़ी मांग कर डाली है। कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल उपचुनाव के पहले बसपा प्रमुख मायावती लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, चाहे बीजेपी को घेरने की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों पर निशाना साधने की। उपचुनाव के पहले बसपा प्रमुख मायावती बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बसपा प्रमुख मायावती जिस तरह से एक्टिव है आने वाले उपचुनाव में कितना चुनावी फायदा होता है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। वही कानपुर के किदवई नगर स्थित बने मामा भांजे रेस्टोरेंट पर हंगामा हुआ। आखिर हंगामा क्यों हुआ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ता। पीने के सामान में मिलावटखोरी को देखते हुए जहां एक तरफ योगी सरकार सख्त है तो वहीं से कानपुर नगर से एक ताजा मामला निकलकर सामने आया है। किदवई नगर स्थित मामा भांजा रेस्टोरेंट में जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा और आरोप लगाते हुए बताया कि वेज बिरयानी और कबाब में मीट के टुकड़े मिलाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए खानपान का नमूना लिया गया है। अब उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया है कि अगर नमूने में इस बात की पुष्टि होती है कि खाने पीने के सामान में मीट मिलाया गया है तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी होगी। इन तमाम मिलावटखोरी को देखते हुए जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ सख्त है और उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए होटल रेस्टोरेंट और ढाबों पर पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए हैं, विभागीय अधिकारी उनके आदेश का कितना पालन करते हैं और कितनी कार्रवाई जमीन पर नजर आती है यह देखने वाली बात होगी। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बीडीपी के सदस्यता यानी कि भाजपा के सदस्यता अभियान का पहला चरण समाप्त हो चुका है। क्या कुछ खास रहा इस पहले चरण में, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। में बीजेपी का सदस्यता अभियान का पहला चरण समाप्त हो चुका है। 27 सितंबर को बीजेपी के पहले चरण की समीक्षा होगी, लेकिन पहले चरण से पहले ये समीक्षा से पहले बीजेपी के लिए राहत की खबरें कही जा सकती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उस पर बढ़ चढ़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने का काम किया है। जो ये कह सकते हैं कि 25 सितंबर तक जो सदस्यों की संख्या 8 लाख के करीब थी वो एक ही दिन में कह सकते हैं कि बढ़कर अब 12 लाख से ऊपर यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित करे थे उस लक्ष्य के करीब पार्टी पहले चरण में पहुंच चुकी है। और ये कह सकते हैं कि जब दूसरा चरण अक्टूबर माह में शुरू होगा तो बीजेपी के पास एक मौका होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार नए सदस्यों की संख्या ज्यादा यहाँ पर हो सके, यानी दुगनी यहाँ पर बन सके। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का विषय यह है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं या दायित्वधारी हैं या फिर मंडल अध्यक्ष हैं, उनको जो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए थे उस लक्ष्य के करीब भी पार्टी का अभी तक कोई सदस्य या विधायक मंत्री नहीं पहुंच पाया है। तो ये समझा जा सकता है कि बड़े जो नेता, जो खास नेता है, वीआईपी है, वो सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, बल्कि जो दूसरे कार्यकर्ता या धरातल पर बूथ के कार्यकर्ता वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की विदाई के साथ मौसम का मिजाज भी बदल गया है। कैसा है मौसम का मिजाज, अभी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से ठीक पहले मौसम बिगड़ गया है और तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश है। अभी भी मौसम विभाग ने 2 दिन हाई अलर्ट जारी किया है। अभी कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों पर नजर रखें, सावधानी बरतें और जहां जहां भी नुकसान हुआ है वहां की भरपाई के लिए तमाम कोशिश करें। इसके साथ ही करीब 46 सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है और यात्रा भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी रोड बंद हुई है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। अब 2 दिन बाद क्या हालात रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं सीतापुर में गन्ना समिति के चुनाव को लेकर धरने पर बैठी सपा, क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पंकज गुप्ता। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति के डेलीगेट पद का चुनाव होना है, जिसको लेकर हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए सपा कार्यकर्ता व सपा के सांसद आनंद भदौरिया के साथ कार्यकर्ताओं के साथ वो धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि
आनंद भदौरिया ने साफ आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही लोगों को टिकट दिया जा रहा है, किसी अन्य को टिकट नहीं दिया जा रहा है। सारे आरोप लगाए उन्होंने, ये भी कहा कि बिसवा में पर्चे बांटे जा रहे हैं, परंतु वहां के कुछ गुंडा लोग जो है पर्चे छीन कर फाड़ कर भाग जा रहे हैं। वहीं पर हरिगांव, रामगढ़, चीनी मिल के सभी जगह पे चुनाव होने हैं और जिसको लेकर सीतापुर में भी चुनाव होना है और इसी को लेकर वो धरने पर बैठे, जिसको लेकर वो ज्ञापन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को दिया है और इस पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सांत्वना जताई है कि जो चुनाव होंगे वो पूर्ण निष्पक्ष होंगे और किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वॉइस। वही आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने के बाद मामले के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड में लगातार मिलावटी खोरों के ऊपर कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा विभाग अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कई ऐसे नामी कंपनियों के सैंपल भरे गए हैं, देसी घी के सैंपल भरे गए हैं, लेकिन वही देखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर है और उसमें जो मिलावट प्रसाद के अंदर पाई गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की मिलावट ना हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए लगातार चेकिंग करते रहें, लगातार सैंपलिंग करते रहें और यदि कहीं पर मिलावट मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी के साथ साथ देव भूमि भी कहा जाता है और कई मंदिर उत्तराखंड के अंदर है जहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाता है और प्रसाद बनता भी है, लेकिन उस रसोई तक जो है मिलावट ना पहुंचे उसके लिए लगातार सतपाल महाराज अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सतपाल महाराज ने साफ तौर पर जो सचिव हैं उनको भी निर्देशित किया है कि इस तरह की मिलावटखोरी जो मंदिर है उनकी रसोई तक ना पहुंचे, उसके लिए लगातार कहीं ना कहीं जो चेकिंग अभियान है वो भी चलाया जाए। और आप देखिएगा कि त्योहार का सीजन नजदीक आते ही कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी भी करता है और कई सैंपल भी भरता है और उन सैंपलों को भरकर रुद्रपुर लैब में भेजा जाता है और यदि कोई सैंपल फेल होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। वहीं अब देखिएगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर जो चार धाम है या फिर कहा जाए कि जो बड़े मंदिर हैं उनमें भी प्रसाद वितरित होता है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं बद्री केदार समिति के वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह का जघन्य अपराध नहीं किया जाता है और जिस तरीके से देखा जाए कि जो मंदिर है उनमें सूखा प्रसाद बांटा जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रसाद बनाया नहीं जाता और वो जो प्रसाद बांटता है वो सूखा होता है, उसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर जो ऐसे मंदिर है जहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाता है ऐसी जगहों की चेकिंग करने के निर्देश सचिव को भी दिए गए हैं और उसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को भी दिए गए हैं। इंडिया वॉइस धनराज देहरा। रिपोर्ट लाइव में बढ़ते आगे, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी पहुंचे। जी हां, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर माना जाता है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ बयान दिया है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने लखपति दीदी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत किया तो वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए हैं। तो वही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डोटू अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं, भले ही मुख्यमंत्री नहीं है मगर उनकी सरकार नहीं है, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारी सरकार को बताएं और उसका समाधान भी कराया जाएगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है और तो ही बच्चों को अन्न प्राशन का वो भी कार्यक्रम आयोजित कराया है। तो वही कुरावली थाना क्षेत्र के समरोह में इस भव्य एक मेले का आयोजन किया गया है जिसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं गरीबों तक किस तरीके की पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं इसकी भी जानकारी जुटाई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पर भी जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो चुनाव है उसको लेकर लगातार सरकार करहल सीट पर उपचुनाव को लेकर कई लगातार तैयारी है और संभवतः इस सीट पर भी कमल खिलाने के लिए सभी लोग लगातार जुटे हुए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए सुमन। वही अयोध्या में सीएमओ ने रुदौली
तहसील क्षेत्र में नर्सिंग होम, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटरों पर छापेमारी की है। आखिर क्यों ये छापेमारी की गई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। रुदौली तहसील में अवैध अस्पतालों का जखीरा पूरे तरीके से फैला हुआ है और जगह जगह पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट है। इसी को लेकर के सीएमओ ने यहाँ पे आज बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत जो है दर्जनों जो अस्पताल अवैध चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, पैथोलॉजी चल रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की बात की है। लेकिन जब इनकी टीम जांच करने के लिए यहाँ पहुँचती है, उससे पहले ही जो संचालक होते हैं अवैध अस्पतालों के, उन लोगों को उसका वायरल पत्र भी मिल जाता है कि जाँच होने वाली है, जिसके मद्देनजर पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। तो माना जा रहा है कि सीएससी के पास में जो है तमाम ऐसे नर्सिंग होम हैं पूरी तरीके से अवैध चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जबकि सीएमओ की जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि जो तमाम जो अस्पताल थे वो बंद करके यहाँ से भाग चुके हैं। तो इस तरीके से जो माना जा रहा है कि पूरे रुदौली तहसील में सैकड़ों की संख्या में जो है पैथोलॉजी और नर्सिंग होम यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस। वही कसडोल के ग्राम छरछेद हत्याकांड में निषाद समाज अब आक्रोशित नजर आ रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। के विधायक कुंवर सिंह निषाद और जो निषाद समाज के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और गुंडरदेही के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में आज निषाद समाज ने कसडोल के थाने में आज धरना प्रदर्शन दिया। कि याद रहे कि 12 सितंबर को छरछेद गांव में अंधविश्वास जादू टोना के चलते निषाद परिवार के चार लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिससे कि निषाद समाज बहुत नाराज था। सरकार के द्वारा इस प्रकार की घटना पर निषाद समाज ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। और वहीं सरराज मिश्र व्यवसाय ने तत्काल पीड़ित परिवार को सहायता के लिए 10 लाख रुपए नगद और 2 लोग को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की थी। परंतु जब निषाद समाज जब अपने कार्यक्रम 10 घात के कार्यक्रम में जब पहुंचा, तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना पर उन्होंने कहा कि बहुत कम है और इसका 50 लाख रुपए नगद और 3 लोगों शासकीय नौकरी देने की मांग प्रदेश सरकार से की थी। परंतु वह मांग अभी तक पूरी नहीं होने कारण आज निषाद समाज के लोग कसडोल के थाने के सामने धरना प्रदर्शन दिया और तथा सरकार से मांग की कि हमारे इस निषाद समाज में जिसने जो विभत्स घटना घटी और 4 लोगों की हत्या कर दी गई केवल अंधविश्वास जादू टोना के चलते, उस दुखित परिवार को अधिक से अधिक सहायता दी जाए ताकि उनके परिवार में जो इतनी भी घटना घटी उसको भरपाई कर सके। परंतु सरकार द्वारा न होने के कारण आज उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। अब देखना यह है कि निषाद समाज की मांग प्रदेश सरकार कब पूरा करती है और निषाद समाज को कैसे संतुष्ट करती है, आने वाला समय बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बड़ौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। वही आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर थाना हरी पर्वत पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। पुलिस ने 2-व्हीलर वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश में एसीबी हरी पर्वत के नेतृत्व में हरी पर्वत पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के सातिर 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 10 2-व्हीलर वाहन भी बरामद किए हैं। मास्टर चाबी की बात करें तो उनके जो सातिर चोर हैं उनके पास से पुलिस ने मास्टर चाबी और चोरी करने के तमाम उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं दोनों सातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। वही बुलंदशहर में अवैध रूप से शराब बेचते एसडीएम खुर्जा दुर्गेश सिंह ने रंगे हाथ पकड़ा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बबलू शर्मा। बुलंदशहर में आज दिन निकलते ही एसडीएम खुर्जा ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और वीडियो उसकी अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दूं कि बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे के पास आज सुबह 6 बजे एक व्यक्ति थैले में अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसकी सूचना एसडीएम खुर्जा को लगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम खुर्जा ने तत्काल शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके पास से अवैध रूप से शराब जो बेची जा रही थी वो भी बरामद कर दी। वहीं इस मामले में तत्काल एसडीएम
खुर्जा ने आबकारी विभाग को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी। शराब बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आबकारी की सह से यह शराब सुबह सुबह ठेके के पास बेची जा रही थी। फिलहाल एसडीएम ने इस मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही संभल में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए अधिशासी अधिकारी चंदौसी नगर पालिका के। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी नगर पालिका का है, जहां पर अधिशासी अधिकारी आज रंगे हाथ बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। यहां पर एसडीओ की टीम पहुंची और सूचना मिली थी कि इनका 8 महीने पहले कनेक्शन काट दिया गया है। उनके घर में 3-4 एसी लगी हुई है और घर में जो कार्य चल रहा है, 2-4 मशीन चल रही है या पते टाइल की मशीन चल रही है, तो वहां पर चोरी करके बिजली चलाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठा कि नगर पालिका के आदिशादी अधिकारी ही चोरी करते हुए आज रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो इस मामले में एसडीओ का कहना है कि हम के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और जो कार्रवाई कराएंगे इसी मामले को लेकर के बात की जा रही है। तो आदिशादी अधिकारी का कहना है कि हाँ, हमने कोई बिजली की चोरी नहीं करी है, हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन रंगे हाथ पकड़े गए हैं आज और चोरी करते हुए नगर पालिका में जिस तरीका से कई एसी लगी हुई हैं अपने आवास में, उन्होंने अपना दफ्तर बना रखा है, वहां पर सरेआम चोरी करते हुए जो है एक तार गिर रखा था और तार गिरने के बाद सीधा पोल से अपने घर लेकर जा रहे थे। इनका 8 महीने पहले बकाया बिल जमा न होने पर उनके बिजली का बिल कनेक्शन काट दिया गया था, जबकि इनके मीटर से तार भी हटा दिए गए थे, लेकिन आदिशा अधिकारी की बात की जाए तो सरेआम चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन प्रसंग के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।